जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ पूजा व्रत हम सब के लिए एक आस्था और विश्वास का पर्व है। हमारा यह विश्वास है कि जो शादीशुदा स्त्री बिना अन्न जल ग्रहण किए पति माँ नहीं आने देती। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उन जीवों और पशु पक्षियों के बारे में जो अमुक हैं, जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, लेकिन माँ की दृष्टि में चाहे जीव हो या इंसान, सब एक समान है। वो सबके मन की बात जानती है, उनके दुखों को समझती है, और ऐसा ही दुख एक हिरनी के ऊपर आ जाता है, उसका हिरन उससे बिछड़ जाता है, और कैसे वो अपने मन की व्यथा माँ को सुनाती है, चलिए सुनते हैं। गाना कर लेते हैं बाद में यहाँ पे। और इस प्रकार हिरन हिरनी को हिरना मिल जाता है, माँ हिरनी को माँ मिला देती है, माँ हिरना से मिला देती है। ये ले लो। यूपी बिहार के लिए छठ मैया की पूजा जो है वो बहुत बड़ी महिमा रखती है, बहुत महत्व रखता है ना। शायद तुम दुर्गा पूजा, यहाँ दुर्गा पूजा कलकत्ता में भी देखी होगी, चाहे यहाँ भी, लेकिन यहाँ साष्टांग लेट के लोग छठी मैया के वहाँ जाते हैं 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर, तो इनकी बड़ी महत्व रहती है। तो तुम्हारे लिए भी सौभाग्य की बात है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कम से कम इन्होंने ये बोला कि राइस भैया एक गाना आपको लिखना है छठी मैया का, और मैंने दिल से लिखा है इस गाने को। नहीं, अगले जन्म में बाथरूम सिंगर नहीं, बीच में क्या, सिंगर तो सिंगर ही, वो तो कहने के लिए बाथरूम कहाँ का मना दो, बीच में भटक गई थी, एक्टिंग करने लगी थी। नहीं, इस जन्म में एक्टिंग करने लगे, पहले जन्म में सिंगर ही थे। कल्लू की कौन सी फिल्म? कल्लू जी का एक अभी करने जाऊंगी, और एक फर्स्ट मूवी था मैं नागिन तू सपेरा। पत्थर के सनम? नहीं, पत्थर के सनम मैं नागिन तू सपेरा मैंने किया। अच्छा, अभी भी नागिन पे सांप नहीं, मतलब सॉरी, हाँ तो अभी उसकी पवन जी की ना, नहीं नहीं कल्लू जी, सांप और पाकिस्तान पता नहीं कब खत्म होगा। हाँ, लेकिन मैं उसमें नागिन नहीं बनी हूँ, वो निधि मैम। क्या तो फिर वो मदारी बनी हो? नहीं, मदारी मतलब वो जो ऐसा वो भी नहीं है। अरे बैठ रहा हूँ, उसी समय से तो बैठा, तुम बैठो ना, तुम कब से खड़ी हो? माई के कौन ये चांदनी? कहाँ से वो चांदनी? चांदनी जौनपुर। अरे तब तो भोजपुरी यूपी। नहीं नहीं, ये एक्चुअली शुरू से रही है बाहर, तो इसके लिए भोजपुरी बोल रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों ने गाना गाया आपके लिए? कितने लोगों ने गाया? हेलो, हाँ खेसारी जी ने गाया ना?
नहीं ये वो गा रही थी वो उस फिल्म का चांदनी मेरी चांदनी वो तो श्रीदेवी देवी जी नहीं हम लोगों के बीच में अरे वो जब उनकी डेथ हुई थी ना एक वीक तो मैं खुद शॉक थी कैसे लगा मेरी डेथ हो गई क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में हीरोइन की डेथ हुई ऐसा लगा मुझे इसलिए कि इन लोगों ने एक मुकाम ऐसा बनाया कि ये लोग गए हैं ना कि जिनको भूलना बड़ा मुश्किल है हाँ और मम्मी जब भी देखो तब टीवी लगा के वही देखने लगे तो और अंदर से दिमाग ना मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा लग गया कि मैं मतलब मैं ही मर गई ऐसा लगा नहीं भगवान नहीं करे देखो समय तो सबका आता है लेकिन ये है कि एक्चुअली एक और चीज हुई ना कि सडनली न्यूज सुना सडनली मैं पटना में थी सुबह उठी मैंने ऐसे टीवी नीचे बैठी आके सब लोग रेडियो के नीचे आ रहे थे मैं नीचे जाके बैठी और चल रहा था टीवी में वो न्यूज अचानक से आया श्रीदेवी की हुई मौत मर गई यही हादसा आपको मालूम है दिव्या भारती का हुआ था आज अब मिश्रा जी हैं अब बिहार जी हैं बड़ा हीरो अब बिहार गोलू गोलू के पापा हैं ये गोलू के पापा आए अंदर नहीं गोलू के पापा बाद में पहले तो हाँ पहले राजेश राजेश झा क्या बात है आप थे कहाँ महाराज मिलते नहीं है मिला कि फोटो ले लीजिए भाई फोटो क्या वीडियो ले वीडियो से ले रहे हैं झा जी और मिश्रा जी की जुगलबंदी है आप खड़े रहेंगे फिर वही स्टाइल उदित भैया वाला छठी मैया होगी ना सहाय छठी मैया होगी ना सहाय छठी मैया होगी ना सहाय अच्छा और इस प्रकार माँ की कृपा हिरनी पे होती है और हिरनी को उसकी हिरना से मिला देती है।